ई का तीसरा जी सर। अब लेआउट में देखते हैं क्या है, ई का तीसरा परफेक्ट मिल रहा जी, जो न्यूट्रल है वो हमें नहीं मिल रहा जी। ये जे तो सर न्यूट्रल लाइन नहीं, न्यूट्रल नहीं है, लेकिन बीच में एफ न्यूट्रल हो गया ना, एफ को न्यूट्रल कर दिया तो एफ छोड़ना पड़ेगा। अब एफ छोड़ने के बाद यहाँ पे चलिए, अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ए बी सी डी एफ को छोड़ देते हैं, एफ की जगह पे जी आ जाएगा, एफ की जगह पे जी आ जाएगा क्योंकि एफ यहाँ पे न्यूट्रल है, खाली छोड़ दिया गया। चलिए तो कितना क्या नंबर हुआ, ए बी सी डी जे में है ना हम लोग का, इधर गया जे थ्री, तो जे थ्री आई की जगह पे जे आ जाएगा हम लोग का जी, आई की जगह पे जे जो न्यूट्रल मार दिया सस्पेक्टिक में उसे हटाना पड़ेगा। तो ये हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं, सीख रहे हैं कि कौन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे तीनों चीज आपको चला रहे हैं जी, बिट मैप ले और सिस्टमैटिक, ये तीनों चीज दिखा रहे हैं। एक तो बिट मैप है हमारे पास, जो जहां से जहां कनेक्शन किया वो प्रूफ कर सकते हैं। उसके बाद ले यानी सिस्टमैटिक में जो कैपेसिटर दर्शा रहा उसे हम कंफर्म कर सकते हैं लेआउट में, और उसे सप्लाई चेक कर सकते हैं कि वो सप्लाई कहाँ कहाँ गया, वो कंफर्म कर सकते हैं बिट मैप से। तो ये तीन चीज इंपोर्टेंट आपको दिखा रहे हैं, आप बिट मैप के तरफ से देखिए या सिस्टमैटिक के तरफ से देखिए, चलना तो आप ही को है। तो यहाँ पे आई को है न्यूट्रल कर दिया, तो जे का पॉइंट हमारा परफेक्ट आ गया, एक दो तीन तीसरा नंबर पर आ गया। तो और भी लाइन है एफ वन एफ टू ई वन, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं ये किस कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है, तो एक कॉइल भी लगी हुई है, ठीक है, और ये सी वन सी टू सी थ्री से जुड़ा हुआ है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए ये कॉइल को हम पहले पकड़ते हैं, कंट्रोल सी सीरीज, तो क्लियर आप लोग का जी सर। सर पकड़ के सुनेंगे सही मैन से, ये ऐसा चीज है कि बिना देख का हम कुछ नहीं। तो क्या है 2601, इसे क्या किए कॉपी किए। अब आ जाते हैं लेआउट में, ये डायग्राम में, ये डायग्राम है, लेआउट में आते हैं, ठीक है। कंट्रोल भी फैन मारते हैं, कॉइल है जी सर। अब ये कॉइल को हम यहाँ पे बिट मैप में सर्च करते हैं, ये कॉइल सेम एक दो तीन तीसरा नंबर में तीन बॉल, तीनों बॉल कनेक्टेड है सी का ए बी सी, सी का तीनों बॉल लेआउट में आते हैं, क्या दर्शाया यहाँ पे सी का वन टू थ्री, ठीक है। दूसरा सीधा घूम के आया है किसमें, एफ वन एफ टू ई वन, दूसरा सिरा यहाँ से घूम के आया है कॉइल का दूसरा सिरा से, तो यहाँ पे आते हैं कॉइल का दूसरा सिरा ये रहा, घूम के आया कितने में एक दो तीन चार पांच, लेकिन यहाँ लेआउट में कितना दिखा रहा अभी हमें तीन, तीन दिखा रहा लेकिन दो और घूम के आएगा कहीं से आएगा। तो ये तीन को क्लियर करते हैं हम F1, F2 और E1। अब यहाँ पे देखिएगा F1, F2, F1, F2 और F से पहले क्या आएगा E का वन, E का वन, F का वन टू, E का वन, F का वन टू,